तो दोस्तों आप सभी को मालूम ही होगा चेन्नई सुपर किंग के सुपर स्टार रविंद्र जडेजा जो कि इंजरी से परेशान है या दोस्तों और अपने इंजरी से उभरने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, वो एनसीए में जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो यह खबर निकल क्या रहा है कि रविंद्र जडेजा जो इंडिया इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज हो रहा है उसमें तो कंफर्म रूप से नहीं खेलने वाले हैं कोई भी मुकाबले। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है आईपीएल से जुड़ा हुआ है, या दोस्तों आईपीएल का कुछ मुकाबला रविंद्र जडेजा मिस कर सकते हैं। तो ऐसे में कौन सा खिलाड़ी होगा जो कि रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करेगा और उनके जगह पर खेलते हुए नजर आएगा चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, तो ऐसे हम तीन खिलाड़ी को चुने हैं जो कमाल लाजवाब बवाल है। भले ही यह युवा है लेकिन इनमें भी वह क्षमता है जो रविंद्र जडेजा में है। तो दोस्तों उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो रिप्लेस कर सकते हैं प्लेइंग 11 में चेन्नई सुपर किंग के रविंद्र जडेजा का स्थान कुछ मुकाबले के लिए। तो सबसे बड़ा जो नाम है वह है अजय मंडल। या दोस्तों बता दें अजय मंडल बेहतरीन परफॉर्मेंस किए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, चेन्नई सुपर किंग के कई वर्षों से हिस्सा है, उतना मुकाबला नहीं खेलते हैं लेकिन इनके अंदर जो काबिलियत है कमाल की है। अजय हमेशा से डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और वह भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, नीचे आकर शानदार बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और थोड़ा बहुत गेंदबाजी का जो स्टाइल है रविंद्र जडेजा के ही तरह है। इसी वजह से बेहद ही बड़ा चांसेस है अगर रविंद्र जडेजा कुछ मुकाबले मिस करते हैं तो उसके जगह पर अजय खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक और खिलाड़ी है निशांत संधु। या दोस्तों निशांत संधु भी कमाल का परफॉर्मेंस किए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में और इनका भी स्टाइल थोड़ा बहुत रविंद्र जडेजा से मिक्स करता है और उनकी तरह बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं। इस वजह से निशांत संधु भी बैकअप में हो सकते हैं रविंद्र जडेजा का। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा है और वो बैकअप है रविंद्र जडेजा का हुआ है प्रशांत सोलंकी। जहाँ दोस्तों यह कमाल का परफॉर्मेंस किए थे डोमेस्टिक क्रिकेट में और सभी का दिल जीत लिए थे प्रशांत सोलंकी को, इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग अपने टीम में भी रखी है और बेहद ज्यादा चांसेस अगर रविंद्र जडेजा कुछ मुकाबले मिस करते हैं तो उनके जगह पर प्रशांत सोलंकी भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों यह ऐसे तीन खिलाड़ी है जो कि रविंद्र जडेजा के अनुपस्थिति में खेलते हुए नजर आ सकते हैं चेन्नई सुपर किंग का प्लेइंग 11 में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा परफेक्ट है जो कि रिप्लेस कर सके चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 में कुछ मुकाबले के लिए रविंद्र जडेजा को, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।